आज आफ्टर नोइंग द बेसिक नॉलेज लाइक इफ वी आर हैविंग अ सिंगल बॉन्ड एनीवेयर कार्बन कार्बन और एनीवेयर सिंगल बॉन्ड इफ वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड एंड इफ वी आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड. नाउ वी नो द मीनिंग सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. इन टर्म्स ऑफ डबल वन इज सिग्मा अनदर वन इज पाई एंड इन केस ऑफ ट्रिपल मिडिल वन इज सिग्मा. ऊपर और नीचे वाला ये वाला बॉन्ड को हम पाई पाई बॉन्ड बोलेंगे. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा कि सिग्मा और पाई में डिफरेंसेस क्या हैं. ये डिफरेंसेस आपको काफी हेल्प करेंगे चीजों को समझने के लिए. ठीक, तो चलो देखते हैं सिग्मा और पाई के डिफरेंसेस क्या है. सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के डिफरेंस समझते हैं. यहां से बात अपनी शुरू करते हैं आगे. ये है बेटा सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड. तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, यू कैन नोट इट डाउन अलोंग विद मी. मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं है. कुछ थोड़े से मेमोरी बेस्ड पॉइंट है. जब मैं डायग्राम के अंदर आऊंगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आऊंगा, तो ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको. हो सकता है अभी ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन डायग्राम के अंदर हर एक पॉइंट बहुत ही क्लियर हो जाएगा. तो मेरा पहला पॉइंट ये है बेटा कि सिग्मा बॉन्ड किस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं. सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स बाय हेड. ये वर्ड याद रखना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. अगर मुझसे कोई पूछेगा बेटा पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सब मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, चिंता बिल्कुल मत करो. अगर मेरे से पूछेगा कि भैया पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो मैं बोलूंगा दे फॉर्म बाई साइड वाइज. कुछ लोग साइड वे भी बोलते हैं, साइड वाइज. और इसका एक और नाम है लेटरल. साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं. ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि भैया कौन स्ट्रांग है, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कमजोर है. कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन भी साथ साथ में कर रहे हैं, तो ये लिख दीजिए कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, मोर स्ट्रांगर. ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, ये कंपैरेटिवली. यहां पर पॉइंट नंबर वन लिख दिया मैंने, ये पॉइंट नंबर वन है. यहां पर हम पाई के लिए बोलेंगे कंपैरेटिवली लेस या कंपैरेटिवली वीकर भी आप कह सकते हैं. कंपैरेटिवली लेस स्ट्रांग या कंपैरेटिवली वीकर, ऐसे लिख देते हैं कंपैरेटिवली वीकर. लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा नहीं किसी और बॉन्ड के साथ आप बात करना शुरू करें. और मेरा क्या पॉइंट है बेटा सिग्मा के लिए, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैप्ड एरिया होगा वो ज्यादा होगा. अगर कोई पूछे भैया क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बोलूंगा ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा है भैया, ओवरलैपिंग ज्यादा. अब एक ओवरलैपिंग थोड़ी सी हुई, ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा लाइक दिस. तो ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा है, जबकि यहां हम कहेंगे जो ओवरलैप्ड एरिया है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ओवरलैप्ड एरिया वो कंपैरेटिवली कम है, वो लेस है, इसलिए थोड़े कमजोर रह जाते हैं. एक पॉइंट है बेटा कि दे फॉर्म ऑन न्यूक्लियर एक्सिस. ये न्यूक्लियर एक्सिस पर बनते हैं. कैसे बनते हैं मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये न्यूक्लियस की जो भी एटम पार्टिसिपेट करेंगे उनके न्यूक्लियस के एक्सिस पर बनेंगे. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि काफी स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली. और ये न्यूक्लियर के एक्सिस पर नहीं बनते, दे फॉर्म अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस. ये न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे बनते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं बनते. दे फॉर्म अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस. ये प्लेन ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे बनते हैं. एक पॉइंट जो कि मैंने पहले कई बार बताया है, उसको तो याद ही रखना है. सिग्मा जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा,
उनको हम बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑलवेज टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। मैं जेड लिख देता हूं क्योंकि अमेरिकन तो जेड लिखते हैं और इंग्लिश एस लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग में, तो इसे मैं जेड लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन। जबकि याद रखना बेटा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर नेवर टेक्स पार्ट, नेवर टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट, और एक पॉइंट वैसे और भी बता सकता हूं मैं, लेकिन ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, डायग्राम के अंदर पता चलेगा। SS ओवरलैपिंग होगी बेटा, PP ओवरलैपिंग होगी या SP ओवरलैपिंग होगी, तीन कैटेगरी की मोस्ट कॉमनली ओवरलैपिंग हम लोग करते हैं। इन तीनों टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, इनमें सिग्मा बॉन्ड मे फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड यहां बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड मे फॉर्म तीनों कैटेगरी में बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड मे फॉर्म। जबकि अगर मैं यहां बात करूं तो बेटा सिर्फ PP ओवरलैपिंग ऐसी है, SP में नहीं होगा, SS में नहीं होगा, PP ओवरलैपिंग ही एक ऐसा केस बनेगा जहां पर आपको पाई बॉन्ड बन सकता है। पाई बॉन्ड में फॉर्म लिखूंगा, हमेशा नहीं, पाई बॉन्ड सिग्मा में भी जा सकता है, ये कैटेगरी पाई में भी जा सकती है, लेकिन पाई की कैटेगरी यहीं से ही आएगी और कहीं से कुछ आने वाला नहीं। पाई मे फॉर्म, पाई बॉन्ड मतलब मे फॉर्म। तो ये है बेटा सिक्स पॉइंट जिनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजों को भी एक्सप्लोर करेंगे। यू जस्ट क्विकली नोटेड डाउन, जल्दी से इसको नोट डाउन करें सो दैट हम अब ऑर्बिटल डायग्राम को एक्सप्लेन करना शुरू करें। अब ओवरलैपिंग का एक सिंपल मीनिंग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास H2 का मॉलिक्यूल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो यहाँ पर मैंने टू हाइड्रोजन के एटम बनाए, एटॉमिक नंबर 1 1, इसका कॉन्फिगरेशन बनाया बेटा 1s1 1s1। अब s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, सब लोग को मालूम ही है। तो मैंने एक s ऑर्बिटल इधर बनाया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑर्बिटल बनाया और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ऐसा करके बनाया, दोनों पास पास आए बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ओवरलैप्ड कर जाते हैं। तो ये एक एरिया हो जाता है जिसको आप ओवरलैप्ड एरिया बोलते हैं। तो एक तरीके की ओवरलैपिंग है। इस सिंपली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या था बेटा, एस ऑर्बिटल, ये क्या था, एस ऑर्बिटल, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एस एस ओवरलैपिंग। क्या बोल सकता हूँ, एस एस ओवरलैपिंग। पॉइंट समझ में आया, क्या बोल रहा हूँ इसको, एस एस ओवरलैपिंग। तो एक तो होती है बेटा एस एस ओवरलैपिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एस एस ओवरलैपिंग, क्लियर है। अब एस एस ओवरलैपिंग में अगर आप सोचिए, थोड़ा इमेजिनेशन सोचिए अपने दिमाग में, कि अगर यू आर हैविंग टू बॉल्स, आपके पास दो बॉल हैं, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशनली किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कराते हैं, तो उसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही बोल सकते हैं। कहीं कोई लेटरल वाला केस नहीं बन सकता, उसको हमेशा दो बॉल हैं तो उनको हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही बोला जाएगा। इसीलिए जब कभी भी S टू SS ओवरलैपिंग होती है, जिस तरीके का डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज SS ओवरलैपिंग, तो हमेशा बेटा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड बनने के चांस ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड ही यहाँ पर बनता है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ बेटा SP ओवरलैपिंग की, जरा ध्यान से समझना SP ओवरलैपिंग। अब SP ओवरलैपिंग के अंदर यहाँ पर सजेस्टेड है दो केसेस, कौन से दो केस हैं, पी ऑर्बिटल आपको पता है ना, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, ये तो सब लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखे। एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की शेप होती है बेटा डंबल जैसे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ इस तरीके से घूमता है, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनली डंबल शेप। अब एस ऑर्बिटल है, अब एस ऑर्बिटल बेटा, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होने वाला है, अब पी ऑर्बिटल सपोज करते हैं इसके नजदीक कुछ इस तरीके से आ रहा, दिस इज द पैटर्न कि पी ऑर्बिटल इसको अप्रोच करने के लिए आ रहा है, ये पी ऑर्बिटल अप्रोच करने के लिए आ रहा है, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है, इनका इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है, यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस, ठीक। अब यहां पर आप डायग्राम में देखिए, जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, जब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल ने बेटा ओवरलैपिंग करी,
ओवरलैपिंग करें, तो ये हो गया ओवरलैप्ड एरिया, ये हो गया ओवरलैप्ड एरिया। अब आप इसको हेड टू हेड बोलेंगे कि लेटरल बोलेंगे, जरा बताइए मुझे इसको क्या बोलने वाले, हेड टू हेड या लेटरल? क्विकली, हेड टू हेड बोलेंगे इस तरीके की ओवरलैपिंग को या लेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे? क्योंकि एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, उसका तो कुछ लेटरल है नहीं, कुछ पार्ट्स है नहीं, वो तो हमेशा ही स्फेरिकल है, तो इसको आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही बोलेंगे। इसका मतलब इसको भी हम बोलेंगे बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, दूसरा केस समझते हैं बेटा। सपोज करते हैं एक एस ऑर्बिटल ऐसे था, बी ऑर्बिटल ऐसे आया, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करी, तो ओवरलैपिंग करके एक सजेस्टेड था ये पॉइंट, इसलिए बता रहा हूं। सपोज करते हैं कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग करी, थोड़ा और बेटर डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरलैप एरिया दिखा दूं तुम्हें। ये एक ओवरलैपिंग हुई। अब ये तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि शायद साइड में ओवरलैपिंग है, लेकिन इस तरीके की और ओवरलैपिंग का कोई भी एग्जाम्पल साइंटिस्ट को नहीं मिला, तो ये एक नॉट पॉसिबल कैटेगरी में चली गई, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी इसका प्रूव हमें नहीं मिला, इसलिए इस तरीके की ओवरलैपिंग को एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, यानी हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इस तरीके की भी कोई ओवरलैपिंग हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एसपी ओवरलैपिंग के दौरान सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड बनने की कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिली। अब बात करते हैं बेटा हम पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग के कुछ केसेस हैं, जरा समझिए। यहां पर भी हमारे पास दो केसेस प्रूवन केसेस, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों प्रूवन। एक तो ये हुआ बेटा कि दो पी ऑर्बिटल आए, सपोज करते हैं एक एटम से ये आया, दूसरे वाले एटम से ये आया, ओवरलैपिंग करने के लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों पास पास आए, पास पास आकर बेटा ये ओवरलैपिंग इन्होंने कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग की, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है ओवरलैप्ड एरिया। अब आप बताइए ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या लेटरल? इज इट हेड टू हेड ओवरलैपिंग और लेटरल? कैसी ओवरलैपिंग है ये बताओ, बताओ, बताओ। यस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब ये बनने वाला बॉन्ड इस समय पर मैं बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन अब दूसरा केस को देखते हैं। देखिए बेटा, दो पी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं लाइक दिस वे। अब इन्होंने ओवरलैपिंग करी और ओवरलैपिंग करने के बाद ये आपकी ओवरलैपिंग हुई, दिस इज ओवरलैपिंग, ये एक ओवरलैपिंग हुई जिसमें ओवरलैप्ड एरिया ये है बेटा, ओवरलैप्ड एरिया, और एक ये है आपके पास ओवरलैप्ड एरिया, ये है ओवरलैप्ड एरिया। अब आप मुझे बताएं ये ओवरलैपिंग किस टाइप की हुई, हेड टू हेड या लेटरल या साइड वाइज भी बोल सकते हैं, किस टाइप की हुई ये? यस, ये लेटरल ओवरलैपिंग हुई। ये कैसी ओवरलैपिंग हुई? लेटरल या साइड वाइज। इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलने वाले हैं, इस ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग के अंदर ही एक केस ऐसा मिलेगा जहां पर आपको पाई बॉन्ड का केस मिल सकता है, अदरवाइज आपको पाई बॉन्ड का केस इस टाइप से नहीं मिलता। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है बेटा, उस पॉइंट पे जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मैं अब न्यूक्लियस की बात करूं, सभी के जरा न्यूक्लियस में बता दूं कि कहां पर बैठे हुए हैं। ये है बेटा न्यूक्लियस, थोड़ा डार्क करके बता दे रहा हूं। यहां पर न्यूक्लियस सपोज करते हैं ये है, और इसका न्यूक्लियस इधर है, इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये रहा बेटा न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस एक का, ये है न्यूक्लियस दूसरे का। अब आप अगर न्यूक्लियस पर ध्यान दें तो ये देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड बना वो न्यूक्लियर एक्सिस पर बना या नहीं बना? जिसको हम सिग्मा बोलेंगे वो न्यूक्लियर की एक्सिस पर ही बनेगा, जिसको हम सिग्मा बोल रहे हैं वो न्यूक्लियर की एक्सिस पर बन रहा है। लेकिन बेटा जिसको पाई बॉन्ड बोला, जिसको पाई बॉन्ड बोला, तो वहां आप देख रहे हैं अबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हुई, न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं हुई, न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं हुई। बाकी सब जगह आप जहां जहां बेटा सिग्मा बना, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां देखिए ये सिग्मा है, यहां देखिए ये सिग्मा है, तो जहां जहां बेटा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा है बॉन्ड, यहां पर आप देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, जहां जहां सिग्मा बना वहां पर जो ओवरलैप्ड एरिया है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही है, और न्यूक्लियर एक्सिस पर आने की वजह से
वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, वहां से उसको अलग अलग कर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड के लिए देख रहे हैं, तो पाई बॉन्ड में आप देख रहे हैं जो ओवरलैप एरिया है बेटा अबव एंड बिलो द प्लेन है, अबव एंड बिलो द प्लेन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं होने की वजह से वो कमजोर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको इस डायग्राम के अंदर सारे क्लियर हो चुके होंगे, एकदम क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं तुम लोगों को बेटा हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस तरीके के जो डायग्राम है हम वो कैसे यूज करेंगे। बाकी और ज्यादा अभी एडवांस सीखते चले जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक। तो कहानी सुनते हैं आगे की। अब सोचो, ध्यान से सोचना, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह कंफ्यूज होने वाले हैं। मैं कुछ डायग्राम अभी बनाकर दिखाऊंगा, पहले एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता ही क्यों है, रीजन क्या है। अब जरा रीजन समझते हैं। देखिए, सपोज करते हैं मेरे पास है, जरा इस डायग्राम को, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज को बताता हूँ तो डायग्राम को मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि इन्वॉल्व करूँ। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, और यहाँ पर मैंने एक लाइन और बना देता हूं जिससे ये डायग्राम थोड़ा और इजीली आपको समझ में आ सके। अब देखो बेटा, अब सपोज करते हैं कि दो ऑर्बिटल यहां से शुरू हुए, एक एटम नंबर ए है, एक एटम नंबर बी है। इस एटम नंबर ए से एक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए आ रहा है, यहां एटम नंबर बी से एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास जाना चाह रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पास पास आएंगे, और पास पास आने की एक लिमिट होती है बेटा, ऐसा नहीं कि वो पास पास जितना चाहे उतना पास पास हमेशा आ सके। जरा ध्यान से समझना, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, खुद ही मैंने डेवलप किया था कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये पास पास आए, अब हम अगर सोचेंगे बहुत ज्यादा पास पास आके, अब यहां पर बैठा हुआ है बेटा न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये न्यूक्लियस है ना। अब आपने सपोज करिए कोई केमिकल रिएक्शन या कोई बॉन्ड वॉन्ड बनाना है, ये नजदीक आए, अब जितना बेटा पास पास आ सकते थे, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव वाले जितना नजदीक आ सकते थे उतना आ चुके हैं, प्रैक्टिकली आप इनको और ज्यादा करीब नहीं ला सकते। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप इन दोनों ऑर्बिटल्स को और ज्यादा नजदीक नहीं ला सकते, लेकिन ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही। ओवरलैपिंग तो यहां पर होनी है, इस जगह पर बेटा ओवरलैपिंग होनी है। इसलिए मैंने इसको लाइन को थोड़ा सा डार्क बना दिया, इस वाली लाइन पर हम सोच रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो। अब क्या करें, ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही। अब थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी तो हम ऐसा बना रहे हैं डंबल शेप, लेकिन आपको याद होगा कि यहां पर हम न्यूक्लियस दिखाकर हम बेसिकली ये बोलते थे कि ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज क्रिएटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ शेप। याद आ गया सब लोगों को, ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री जैसी चीज नहीं होती ऑर्बिटल या ऑर्बिट के अंदर, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के 3D शेप को ही हम समझ लिया करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। अब सपोज करते हैं कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन चाहिए किसी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से। जो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जरा ठीक से समझना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा यहाँ है, यहाँ पर घूम रहा है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, इनको आपस में ओवरलैपिंग करनी है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, इनको आपस में ओवरलैपिंग करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं रुककर बैठेगा नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है हम लोगों ने, वो तो एकदम रेडिएशन जैसा ऐसा मूव करता रहेगा, वो तो होना ही है। अब हाइब्रिडाइजेशन का सीन यहाँ क्रिएट होता है, यानी ऑर्बिटल क्या करते हैं, न्यूक्लियस तो बेटा और करीब नहीं आ सकता, न्यूक्लियस तो और ज्यादा करीब आएगा नहीं भैया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में होने वाला है रिपल्शन, तो न्यूक्लियस तो और ज्यादा करीब आएगा नहीं, तो न्यूक्लियर की तो एक्सिस हो गई है, ये तो हो गई बेटा न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है ये तो हो गई न्यूक्लियर की एक्सिस, यानी और ज्यादा करीब न्यूक्लियस नहीं आ सकता, जितना करीब आना था आ चुका है। अब क्या करें, प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हुई नहीं हमारी। तो होता ये है कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा थोड़े कम हो जाएंगे, इधर की साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े कम हो जाएंगे, और उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी वही होगा,
इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएंगे और अपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े कम हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? और एक तरीके से ओवरलैप्ड एरिया यहां पर आ चुका है, ये आपका एक ओवरलैप्ड एरिया यहां पर क्रिएट हो गया, जिसको हम सिंपली कैसे शो कर सकते हैं। सिंपली बेटा हम इसको कुछ इस टाइप से शो करते हैं, एक बड़ा बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, एक बड़ा बना देते हैं, एक छोटा बना देते हैं, क्योंकि जैसा छोटे वाले को इधर मैंने दिखा दिया डैश डैश करके, ये ओवरलैप्ड एरिया हो गया बेटा। अब मैं आपको बता सकता हूं कि क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्सिस पर बना है, कहां बना है बेटा, न्यूक्लियर एक्सिस पर बना है, कहां बना है, न्यूक्लियर एक्सिस पर बना है, तो ये तो बात क्लियर होगी कि ये सिग्मा बॉन्ड है। वैसे भी हम ऑर्बिटल डायग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें तो कहीं किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड तब बना जब इसने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, क्या कर लिया, हाइब्रिडाइज हो गया, ये ऑर्बिटल कैसा हो चुका है, हाइब्रिडाइज। अब जो हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने एक नॉर्मल सा मीनिंग बताया था कि एनर्जी को मैनेज करना, जो ज्यादा एनर्जी पे थोड़ी भैया कम कर लो, जो कम एनर्जी वाला थोड़ा ज्यादा कर लो, सब आपस में एक दूसरे की एनर्जी को एडजस्ट कर लो। तो ये एक तरीके का एनर्जी एडजस्टमेंट हुआ कि किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम रह गए, किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गए, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े ज्यादा हो गए। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जो ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसका एक लोब छोटा हो जाएगा और कंपेरेटिवली दूसरा लोब बड़ा हो जाए। वैसे ये केस एक जगह और मिलेगा, बाद में पढ़ाऊंगा थोड़ी एडवांस केमिस्ट्री में। लेकिन ये एक छोटा और बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना था, इसने अपनी एनर्जी को एडजस्ट करना था, इसलिए ये छोटा और बड़ा हुआ। इसीलिए मैं छोटे वाले को, क्योंकि सेक्रीफाइस किसने किया बेटा, इसने किया, इस छोटू ने सेक्रीफाइस किया, इस छोटे वाले को, मैं इस छोटे वाले को बोलूंगा ये है बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या है ये, जिसने एनर्जी का एडजस्टमेंट किया, ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम में हमेशा बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इवन बहुत सारी किताबें हैं जिसमें मैंने देखा कि वहां डायग्राम गलत बने हुए हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम में इस तरीके के पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। अब मैं एक एग्जांपल लेकर तुम्हें इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ी सी 3D फिगर समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा, अब मैं एक CH4 का हाइब्रिडाइजेशन दोबारे से एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारे से हम CH4 का हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं। जरा देखिए हम कैसे कर रहे थे इसको बेटा, हम कर रहे थे सेंटर एटम कार्बन, अब थोड़ा जल्दी करूंगा, सेंटर एटम कार्बन, चलो ठीक है। तो इसका कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, ये इसका कॉन्फिगरेशन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया, ये आउटर मोस्ट हो गया। अभी इसका हमने बनाया ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में 2s2 दिखाया, 2p2 दिखाया, ग्राउंड स्टेट में 2s2, 2p2, यानी दो इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है बेटा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठा है। अब इसका एक्साइटेड स्टेट कैसा होगा, हम लोग को पता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इफ देयर इज एनी वैकेंसी, ये सब हमें पता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा वैकेंसी है, सेम ऑर्बिट के अंदर जंप करके जा सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये तो सब हम कर चुके हैं। अब हम बोल रहे हैं ये SPPP, यानी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है और इसका स्ट्रक्चर हम लोग नॉर्मली जानते तो हैं। अब नॉर्मली तो बेटा CH4 को हम बनाते हैं ऐसे, ये तो हो गया बिल्कुल ही छोटे बच्चों वाला स्ट्रक्चर की CH4 है बेटा ऐसे। अब ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। मैं बहुत डिटेल लेके जाने वाला हूं ज्योमेट्री को, क्योंकि ज्योमेट्री पकड़ में आ गई, कुछ बेसिक चीजें समझ में आ गई, तो फिर वहां से कोई रोक नहीं सकता। इसका एक एग्जाम्पल आज दूंगा क्लास के बाद। टेट्राहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती क्या है, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसा समझिए, मेरा हाथ देख रहे हो, ये 3 फिंगर आप देख रहे हो, 3 फिंगर मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, दिखाई दे रही है सामने 3 फिंगर। अब ये 3 फिंगर अगर मैं ऐसे खड़ा कर लूं और उसके ऊपर एक फिंगर को मैं ऐसे लगा लूं लाइक दिस पेन, तो ये एक तरीके की 3D ज्योमेट्री बन जाती है। लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इस टेट्राहेड्रल को ड्रॉ कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहां पर सपोज करिए कार्बन एक बॉन्ड ऐसे दिखाए और 3 नीचे के बॉन्ड ऐसे दिखाए। अभी मैं आपको प्लेन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। तो इसको बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ CH4, CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें आपको बॉन्ड एंगल मिलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। ये मैंने आपको टेबल में ऑलरेडी पहले बता रखा है,
आपको बॉन्ड एंगल मिलेगी 109 डिग्री 28 मिनट की। अब यहां से मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूं, जरा सुनिए। ये बेटा सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है तो सिग्मा है, इसका मतलब चार बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। चारों सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इन चारों के चारों बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड हुए होंगे और हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद इन्होंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनाए होंगे। अब इस बात को हम डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे दिखाएं? देखो बेटा जरा ध्यान से समझना, इसको फिसलना नहीं है। ये है कार्बन। अब कार्बन के जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन तो इक्वल एनर्जी के हो गए होंगे क्योंकि इन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो चारों के चारों एक जैसे हो जाएंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एस में बैठा है, कौन पी में है, कौन पी में है, कौन पी, इस बात से कोई फर्क अब पड़ने वाला तो है नहीं। तो मैं चारों के लिए लोब्स बना रहा हूँ, यानी चार लोब हो गए ना, जरा ध्यान से समझना। एक ये बनाया बेटा क्योंकि मेरे को तो चार बनाने हैं, ठीक। एक मैंने ये बना दिया दो, एक मैंने ये बना दिया तीन। अब मैं खैर ये सारा डायग्राम कैसे बना पाऊंगा, जरा ध्यान से समझते चलो। अभी मैं एक एक बना रहा हूँ, उसके अपोजिट वाला नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बन नहीं पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक मैंने यहां पर बनाया इस वाले बॉन्ड के लिए, ये वाला बॉन्ड के लिए। एक मैंने बनाया इधर, अभी मैं एक एक बॉन्ड दिखाता हूं, जरा पहले समझ लें थोड़ा सा। और एक बना दिया इधर। अब मैंने चार बना दिया, चार बना दिए ना, ध्यान से समझना। एक दो तीन, इन चारों को बनाया, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाया मैंने, हाइड्रोजन लगने। अब हाइड्रोजन तो बेटा एस ऑर्बिटल के अंदर बैठा होगा एक इलेक्ट्रॉन, अभी अभी देखा था हाइड्रोजन क्या होता है, 1 1, तो हाइड्रोजन तो 1s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में बैठा होगा। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो मैं यहां पर एक एस ऑर्बिटल बना दिया हाइड्रोजन का, एक एस ऑर्बिटल बना दिया हाइड्रोजन का, एक एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन की, एक एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन। यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग दो इलेक्ट्रॉन्स ने इस टाइप से की होगी, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ने ओवरलैपिंग की होगी, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ने ओवरलैपिंग की होगी, यहाँ भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन अब दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से पकड़ना। अब देखो बेटा ये जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब इसका एक लोब साइज बड़ा हुआ होगा, इसके अपोजिट वाला क्या हो चुका होगा, छोटा। अब बना ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड, सिमिलरली इसके अपोजिट वाला एक छोटा हो चुका होगा जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। इसके अपोजिट एक छोटा सा दिखा रहा हूं, ये है बेटा हाइब्रिडाइज, इसके अपोजिट दिखा रहा हूं ये है बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां से हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल मिलाकर 1 2 3 4, यानी चार ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। गिनती शुरू करते हैं एस से, उसके बाद तीन बार पी, अगर और ज्यादा होते तो डी भी लगाता, इसका मतलब बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, यानी टोटल मिलाकर जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है वो s में, p में, p में और p में बैठे हुए हैं और कहीं नहीं है। तो दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4। ये डायग्राम आपको चाहिए होता है किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में दिखाने के लिए। पता है ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन, मतलब CH4, इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया? अभी मैं और डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, काफी इसको इलेबोरेट कर दूंगा मैं, 3 4 5 डायग्राम तो तुम्हें बता ही दूंगा जहां से तुम्हारा दिमाग चलना अच्छे से शुरू हो जाए। क्लियर है, ये ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये जो ऊपर हमने बताया कि भैया किस तरीके से कैसे हुआ होगा, यहां से ये नजदीक आया, ये भी नजदीक आया, इसके और ज्यादा नजदीक आ नहीं सकते थे क्योंकि भैया इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा था। इसके लिए क्या करना पड़ा कि जिससे ओवरलैप हो कर पाए, न्यूक्लियस और करीब नहीं आ सकते, तो हाइब्रिडाइजेशन ने फिर अपना रोल प्ले किया। एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा C2H6 का, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम के कंसेप्ट पर ही बिल्कुल क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा। अब उसको मैं दोबारा से कहां करके दिखाऊं, क्योंकि जितने भी एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन वगैरह, सब
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही रखते हैं, उनका कार्बन अलग नहीं होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही होता है। तो इसका भी, ये भी C2H6 है, एल्केन है, इथेन इसका नाम है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब बेटा देखो, नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं इसको, छोटी क्लास के हिसाब से हम दिखाते हैं। CH3 CH3, अब ये बॉन्ड तो सबको पता ही होंगे क्योंकि IUPAC वगैरह तो अच्छे से पढ़ लिया, ऐसे ही दिखाते हैं। अब ये कार्बन भी बेटा sp3 है और ये कार्बन भी sp3, दोनों ही sp3 है। इसका मतलब ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है और ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है। यहां कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को ठीक से बना देता हूं। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बेटा टेट्राहेड्रल मतलब ये हो गया ना, थोड़ा अंदाजा लगाओ, जैसे अभी हमने ऐसे करके बनाया था, मैं इसको ऐसे करके बना दे रहा हूं। सिमिलरली यहां पर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल आप इसको बोल सकते हो, यस और नो, क्लियर है एकदम। ये बन गया आपका इथेन का, जिसमें मैंने थोड़ी सी ज्योमेट्री को शो कर दिया, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा, वही रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट, हर जगह कहीं से भी मेजर करो यही रहेगा। अब इस वाले डायग्राम को मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब आसान लगेगा, पहले मैं दूसरे में थोड़ा सा लगता है, फिर धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा। सबसे पहले चेक करता हूं कहीं कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है, तो बेटा ये सिग्मा, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, ये तो सबके सब सिग्मा है, तो पाई का तो यहाँ अभी कुछ लेना देना है नहीं। अब स्टार्ट करते हैं इसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये कार्बन बनाया, इसके सामने कार्बन बनाया, एक एक करके बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए, ज्यादा जल्दी नहीं। देखो एक सिग्मा बॉन्ड मतलब मैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग शुरू करते जाऊंगा, एक सिग्मा यहाँ पर बना, तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, मैंने इसको शो कर दिया क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ही होगा, इसलिए इसके अपोजिट में एक छोटा सा बना दिया, जिससे मेरी काउंटिंग वाउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो, एक काम मेरा हो गया। अब मैं इसी तरीके से सबको बनाऊंगा। अब मैं एक इसको बना रहा हूं, इसके अपोजिट एक छोटू बनाया, यहां पर एक हाइड्रोजन लेकर आया, यहां पर ओवरलैपिंग कराई, क्लियर हो गया होगा, इस वाले को दिखा दिया। अब अगले को देख रहे हैं, यहां पर एक ऑर्बिटल लेकर आया, इधर हाइड्रोजन बनाया, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूं, क्लियर हो रहा है मुझे मालूम है, मजा भी आ रहा होगा, इस हाइड्रोजन को दिखा दिया। अब ये वाला हाइड्रोजन के को दिखा रहा हूं, यहां पर एक बनाया, इधर एक हाइड्रोजन दिखाया, इधर ओवरलैपिंग दिखा दिया टू इलेक्ट्रॉन का, इसके अपोजिट एक छोटू बना दिया, हाइब्रिडाइज्ड मतलब ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया काम। अब इसी तरीके से इसके लिए करना है बेटा, एक इसको बनाया जैसा उधर बनाया, बस इधर ही हम वैसे ही करते जा रहे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अपोजिट एक छोटू बनाया, यहां पर मैंने ओवरलैपिंग दिखाई, इसका काम हो गया। अभी इसको बना दे रहा हूं, ये बनाया, एक ऐसा बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, कहानी हो रही है पूरी, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, मुझे लग रहा है अब कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बना दिया मैंने इसका बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन। क्या सबको क्लियर हुआ, वही लॉजिक, सब कुछ वैसा ही लॉजिक है, कहीं कुछ प्लस माइनस नहीं है, सेम लॉजिक पर हमने काम किया, क्लियर हुआ, यस और नो। ये है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन, क्लियर एकदम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन। देखिए C2H4 यानी ETH, इथीन, जिसका कॉमन नेम है इथाइलीन, इथाइलीन के नाम से स्कूलों में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्कूल लेवल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखा भी दूं तो जल्दी से देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट का ब्लॉक डायग्राम, यह है ग्राउंड स्टेट का ब्लॉक डायग्राम इसका, 1, 2, 3, 4। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके जाएगा इधर, तो एक्साइटेड स्टेट इसकी कैसे बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा कुछ ऐसा, 1, 2, 3, ठीक।
ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। अब हम बनाते हैं सी टू एस सिक्स का डायग्राम। सबको पता ही होगा नॉर्मली क्या होता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू हम बताते हैं। और बनाते समय हम इसको कैसे दिखाते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, सिमिलरली इधर सिंगल, इधर सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 120 डिग्री। ये मैंने आपको टेबल में बता रखा है, बाकी आगे सब समझ में आता जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, याद रखना ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री का नाम। अब यहां पर अगर हम सिग्मा और पाई काउंट करते हैं बेटा, तो देखो 1 2 3 4, ये चार इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ये चार इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इसमें से ये सिग्मा तो ये पाई, ये सिग्मा तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो देखा जाए हर कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई। इसमें भी अगर आप काउंट करें दूसरे वाले कार्बन को लेकर भी, तो बिल्कुल वही सेम केस बनेगा, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। आपको मैंने पहले बताया था कि कहीं पर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड जब दोनों होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा, पहले सिग्मा बॉन्ड बना करते हैं और जब सिग्मा बन जाते हैं उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं, यानी आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलने वाले हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन का तो कांसेप्ट एकदम से क्लियर है। अब मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करने जा रहा हूं, जरा सुनिए। पहले सारे सिग्मा बनाऊंगा क्योंकि पहले सिग्मा बना करते हैं, उसके बाद पाई बनाऊंगा। तो दो कार्बन ले लिए बेटा, इनका बनाया दोनों के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, चलो थोड़ा बेटर सा। ये बनाया बेटा सिग्मा, ये बनाया सिग्मा, इसके अपोजिट बना लिया हाइब्रिडाइज्ड, इसके अपोजिट बना लिया हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी, ये वाला बॉन्ड मैंने शो कर दिया। अब इधर की तरफ दिखा रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन ले रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही ध्यान से। तो ये हाइब्रिडाइज्ड दिखा दिया बेटा, सिमिलरली इसको दिखा दिया मैंने। अब ये दूसरे वाला ले ले रहा हूं, यहां पर मैंने हाइड्रोजन दिखाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइब्रिडाइज्ड दिखा दिया, इसकी कहानी हो गई पूरी। अब ऐसे करके आप जितना चाहो बना लेना, मजा आ जाएगा। सिमिलरली इधर देखते हैं, ये बनाया, ये हाइड्रोजन, ये बनाया, दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइज्ड दिखा दिया, इसकी कहानी हो गई। अब इसको इधर बना रहा हूं, जरा पाई को समझना बस, इसमें बाकी तो कुछ बचा नहीं है। ये बना दिया मैंने, सारे सिग्मा बना दिया, आप देख रहे हैं। अब बेटा बचा पाई। अब पाई तो वो होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा तो दोनों लोब का साइज रहेगा बराबर। तो मैं यहाँ छोटा बड़ा नहीं करूंगा, एक पाई इसके लिए दिखाया, एक पाई मैंने इसके पास दिखाया बेटा। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग को दिखाने का तरीका क्या होता है, यानी ये यहां से यहां ओवरलैपिंग करेगा, यहां से यहां ओवरलैपिंग करेगा, ये दिखाने का तरीका होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाने का तरीका। अब यहां पर अगर हम देखें, ये बेटा है पाई बॉन्ड, अबव एंड बिलो बन रहा है तो पाई है, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये है सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल मिलाकर इस मॉलिक्यूल में सिग्मा कितने बने, 5, पाई कितना बना, 1। तो दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथाइलीन। ये क्या हो गया बेटा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए, डायग्राम ऑफ C2H4, यानी नाम तो ऊपर लिखा ही है। क्लियर हो गया एकदम, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। अब बेटा होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्या है, यहां लिख देता हूं होमवर्क, होमवर्क है तुम्हारा, तुम लोग ट्राई करना C2H2 का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम, एसिटाइलीन, कॉमनली बोलते हैं एसिटाइलीन, तो एसिटाइलीन का ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको ट्राई करना। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से।